And missing you made me stronger. Then I'd be Superman. Good morning guys, आज एक और नया दिन और एक और नई वीडियो. So, आप सभी बढ़िया होंगे. आप सभी का बढ़िया हमारी वीडियोस के लिए जरूरी है. बहुत दिनों से वाला डायलॉग नहीं बोला था, आज बोल दिया. बढ़िया नहीं हो गए तो भाई देखने में मजा नहीं आएगा ना. तो हाँ देखो, मजा आएगा. फुल इंटेंसिटी से मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ, आप भी फुल इंटेंसिटी से देखो. तो एक लाइक दबा दो फटाफट, जल्दी से जल्दी. सो के उठाऊँ, पहला काम पानी पियेंगे एक लीटर. मैं एक लीटर पानी को प्रमोट इसलिए करता हूँ क्योंकि जो पानी होता है हमारी बॉडी में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. पानी नहीं पियोगे तो बॉडी आधा काम करने छोड़ देगी. तो पानी दिन में कम से कम 4 लीटर पानी दिन में होना ही होना चाहिए बॉडी के अंदर, तभी आपकी एक हेल्दी बॉडी रहेगी. तो 1 लीटर पानी अपना यहाँ पे रखा है, मैं इसे पीता हूँ और आपसे मिलता हूँ. तो गाइस आज मुझे 1 हफ्ता हो गया है एक्सरसाइज करते हुए पूरा पूरा, और आज से मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं अपनी कोर इंगेज करूँगा, दूसरे टाइम में और कार्डियो भी. अभी तक तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ही टाइम इसलिए कर रहा था. उसका रीज़न ये था कि बॉडी में उतनी पावर थी नहीं, बहुत 2 महीने बाद एक्सरसाइज कर रहा था, शोल्डर में इंजरी हो रखी थी, एकदम से प्रेशर देता तो मामला खराब होता था. तो जब आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म करनी होती है तो चीज़ों को धीरे 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 पुश किया जाता है. एकदम से पुश करोगे तो चांसेस है कि दोबारा कोई दिक्कत हो सकती है. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, 1 हफ्ता लिया और अपनी बॉडी को पुश करा. अब मेरी बॉडी मुझे लग रहा है कि जान है, तो आज मैं जाऊँगा करके देखूँगा, हुआ तो ठीक है वरना कुछ टाइम फिर और वेट करेंगे. अपनी बॉडी को एनालाइज आप खुद ही कर सकते हो, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा. तो खुद ही एनालाइज अपनी बॉडी को करना सीखो. तो गाइस मैं जिम में आ गया हूँ और आज मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करने वाला हूँ. बहुत अच्छा, तो एक्सरसाइज करते हैं गाइस आज और आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ. Stomp your heels into my toes. Steal the keys right out my car, and I'll find a way to forgive you. I'll fight 1,000 guys. Exercise to khatam ho chuki hai aur mood bhi sut chuka hai yaar. Ab exercise kar rahe hain, thoda sa relax karo, stretching karo. Main bhi zaruri hai stretching karo to sahi rahega. Aur gaane chal rahe piche, copyright na lag jaye. घर चल के बात करता हूँ आपसे. सो एक्सरसाइज करके मैं तो आ गया था घर. घर आने के बाद सबसे पहले मेरा काम था प्रोटीन लेना, क्योंकि जो मैंने अपनी मसल तोड़ी है जिम में उसको रिकवर करने के लिए मुझे चाहिए प्रोटीन. प्रोटीन मैं लोड करूँगा, उसके बाद मैं अपनी बॉडी में ओट्स लोड करूँगा कार्ब्स के लिए और फाइबर के लिए. फाइबर का मेन रोल, फाइबर के जरिए मैं कार्ब्स क्यों लेता, मतलब जिस फूड में फाइबर होता है और उसमें कार्ब्स होता है वो वाला फूड क्यों लेना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि फाइबर जो होता है हमारी बॉडी में काफ़ी देर तक लास्ट करता है. जब फाइबर काफ़ी देर तक लास्ट करेगा, यानी कि भूख काफ़ी देर बाद लगेगी, तो आप खाना कम खाओगे. तो जितना फाइबर खाना खाओगे उतनी आपकी भूख कम हो जाएगी, मील्स कम हो जाएंगी. इसलिए मैं सिर्फ 4 मील पर रहता हूँ पूरे दिन में, और वो 4 मील मेरे को काफ़ी ज़्यादा फैट लॉस करने में हेल्प करती है. मेरी कैलरी डिफिशियट रहता है 1500 कैलरीज के आसपास मैं कुछ खाना खाता हूँ, और मेरा जो मेंटेनेंस कैलरीज है वो 2200 कैलरीज या 2000 कैलरीज के आसपास है, क्योंकि जो मेरा बॉडी वेट है, बॉडी टाइप है, उस हिसाब से 2000 कैलरी के आसपास मेरा बॉडी टाइप, मेरा जो कैलरीड है मेंटेनेंस कैलरी उतना है. तो मेंटेनेंस कैलरीज है जब मैं 500 कैलरीज नीचे खाऊंगा, और पूरे दिन में वर्कआउट करके जब मैं 500-600 कैलरीज बर्न करूंगा
तो 1000 कैलोरी का डेफिशिट आएगा। 1000 कैलोरी का जब डेफिशिट आएगा तो मैं पूरे हफ्ते में 7000 कैलोरीज बर्न करूंगा, पूरे हफ्ते में 7000 कैलोरीज बर्न करूंगा तो 1 किलो वजन कम होगा। इस हिसाब से 5 हफ्तों में 5 किलो वजन कम होगा मेरा, क्योंकि 7000 कैलोरीज का 1 किलो होता है। मतलब 7000 कैलोरीज आप डेफिशिट में जाओगे, अपनी बॉडी को कम 7000 कैलोरीज कम दोगे तब आपका 1 किलो कम होगा। अब ये देख लो 7000 कैलोरीज कितनी ज्यादा होती है, तो हमें जो लिमिट में खाओ, नहीं तो फिर 7000 कैलोरीज डेफिशिट में रहो, पूरे हफ्ते की बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है फंडा, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज अब जाके एक लाइक कर देना, इतनी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो एक लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। कभी अपनी पहली मील लेने का टाइम आ गया। पहली मील अपनी क्या है, पहली मील मैं दिखाता हूँ भाई, एज यूजुअल मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोगों को पता ही है मैं पहली मील क्या लेता हूँ। यार ये सीटी घर में भाई ऐसे ही होता रहता है। 50 ग्राम्स ऑफ ओट, हाफ स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, थोड़े से बादाम का मिक्सचर और स्टीविया, ये हमारी पहली मील। प्रोटीन मील प्लस फाइबरस प्लस कार्ब्स हम अपनी बॉडी के अंदर लोड करेंगे। तो ये मील खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा और आज शाम को जिम जाएंगे ही जाएंगे, पक्की बात है आज जाएंगे। टाल रहा था क्योंकि मेरे एक नहीं और था पेन, अभी भी मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, बट हाँ मैं आज पूरा ट्राई करूँगा कि आज मैं जिम जाऊँ। इसके बाद मैं एक पनीर की मील लूँगा, पनीर मील दिखाऊँगा आपको, मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी बट वो सही नहीं बनी थी तो मैंने काट दी थी पिछले वीडियो से। और हाँ, अगर आप वीडियो रेगुलर देखें तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर कर दो। सो गाइस, ये टाइम है अब मेरी थर्ड मील का, जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको एक पनीर मील। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखी थी मैं दूसरी मील ले रहा था, वो मील थी आपकी राजमा मील। इस बार मैं लूँगा पनीर मील। तो मैं इस ये जो टाइम पीरियड वाली मील होती है, यानी कि दोपहर वाली जो मील होती है, इसमें मैं चेंजेस करता हूँ। इसमें मैं राजमा में चेंज कर सकता हूँ, इसमें मैं सोया जो छोटी वाली सोया नहीं होती उसमें चेंज कर सकता हूँ, और मैं चेंज कर सकता हूँ पनीर के बीच में, छोले के बीच में, इन 3-4 चीज़ों, या चने के बीच में, काले चने जो होते हैं उनके बीच में मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अभी जो मेरा मोटिव है, अभी मैं पनीर खाऊंगा, 250 ग्राम पनीर मैं खाऊंगा, और इसमें मैं कम से कम फैट वाली चीज़ें यूज़ करूंगा, जैसे कि जो ऑयल है वो बहुत नाम मात्र का, और उसे जीरे वीरे में डाल के, मतलब तो बढ़िया सी एक छोटी सी रेसिपी बना के, जल्दी वाली यानी क्विक, जैसे कहते हैं ना क्विक रेसिपी, वो आपको मैं दिखाऊंगा। क्विक रेसिपी का क्या फ़ायदा होता है कि कभी भी हम जैसे जा रहे होते हैं कहीं पे, तो हमें फटाफट बना के कोई मील कंज्यूम करनी है, तो उनमें से ये एक मील हो सकती है, पनीर मील। सो गाइस, यहाँ पे आ गए हैं, एंटर कर गए अपनी किचन के अंदर। पहले तो हमें एक ऐसी कढ़ाई से ले लेनी है, इसका पानी उठा देता हूँ, ये कढ़ाई में ले लेता हूँ। इसमें मुझे, मैं नीचे गैस चलाता हूँ उनको, तो अब मैं क्या करूँगा, घी के डब्बे में से थोड़ा सा घी, यानी कि इतना सा, बहुत ही ज़रा सा जैसे कहते हैं पोछ लो, ये यहाँ पर डाल दूँगा ताकि मैं छौंका वोका लगाना है वो इसमें लगता है। और घी हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी होता है तेल से ज़्यादा, तो घी यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा ज़ीरा हम इसमें, मैं इसमें डाल दूँगा ताकि वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए। थोड़ी सी मैं डालूँगा इसमें हल्दी, तो चलाने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसे बस हमें निकाल के खा लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब 3 से 4 मिनट ही लगे बस इसे बनाने में। ये अपनी मील है जिसमें 2 रोटी, 20 ग्राम्स ऑफ पनीर और 500 ml लस्सी और 1 कटोरी दाल। इसको खाने के बाद मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ आपको। सो गाइस, जो दोपहर की मील थी मेरी, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। क्या क्या रखा हुआ था, मैंने 2 रोटी रखी थी कार्ब्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने पनीर रखा हुआ था प्रोटीन के लिए, बटर मिल्क रखा था बॉडी को ठंडा करने के लिए और प्रोटीन के लिए भी, और उसके बाद मैंने दाल रखी थी वो भी प्रोटीन और थोड़े बहुत कार्ब्स के लिए। तो वो ज़्यादा कार्ब बेस्ड मिल थी पर प्रोटीन भी आराम से उसमें 35 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन था, क्योंकि पनीर 250 ग्राम में अराउंड 20 ग्राम 22 ग्राम प्रोटीन होता है, 500 ml में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है बटर मिल्क में, और दाल में थोड़ा बहुत और रोटी में थोड़ा बहुत, वही 1-2 तो 35 ग्राम के आसपास टोटल प्रोटीन उसमें था। तो प्रोटीन भी अच्छा खासा था, कार्ब्स भी थी, सब कुछ बढ़िया लेवल पे था। तो वो एक ऑल ओवर मील हुई जो हमने बॉडी में लोड करी, हमारे जब हमने बॉडी में मसल्स तोड़ी अपनी बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ के लिए। तो ये एक मील दिन में जिसमें ज़्यादा कार्ब होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक मील पूरी, एक ही मील लेता हूँ जिसमें ज़्यादा कार्ब्स होती हैं। बाकी तो फिर मेरी देखो अभी एक सोया मील प्रिपेयर हो रही है, सोया मील भी बहुत बेसिक है, मैं दिखा चुका हूँ आपको पिछली वाली वीडियो में,
सोया मील बहुत अच्छी मील है, इसे कंज्यूम करो। सबसे वेजिटेरियंस के लिए तो रिच इन प्रोटीन है, और ये एक वेजिटेरियन मील, एगिटेरियन मील कह सकते हो, क्योंकि मैं एग मील लेता हूँ तो इसको। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ एक ही चीज़ बोल, लाइक कर दो। ये टाइम था एक्सरसाइज करने का, मुझे एक्सरसाइज करने जाना था जिम में, कार्डियो और एब्स लगाने। पर मैंने सोचा कि जिम में तो कार्डियो और एब्स सब लोग करते हैं, जो लोग जिम नहीं जा सकते वो क्या कर सकते हैं? तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ छत पे, एक मैट लेके आया हूँ, एक मैट नॉर्मल सा, क्योंकि छत पे गंदगी होती है। उस मैट से जितनी मैं एक्सरसाइजेज कर सकता हूँ, कार्डियो कर सकता हूँ, एब्स कर सकता हूँ, वो सब करूँगा। एक कार्डियो सेशन पूरा अच्छा जिसे कहते हैं वो करूँगा, और आपको जितना हो सकता है उतना दिखाऊँगा, क्योंकि थोड़ा 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 हर वीडियो में दिखाऊँगा। एक साथ दिखा लिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ा 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 दिखाएंगे। एक्सरसाइज कैसी भी हो, कार्डियो हो, चेस्ट ट्रेनिंग हो, कैसी भी एक्सरसाइज हो, सबसे पहले आप सभी को स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर बाद में कूल डाउन करना भी दोनों बारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग दोनों बारी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी के साथ एकदम से आप वर्कआउट करना चालू कर दोगे तो फिर वही बॉडी में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, मसल में, बोन्स में, तो उन सब चीज़ों में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बेटर है कि पहले आप स्ट्रेचिंग कर लो, मैं भी पहले स्ट्रेचिंग करूँगा। और आप चाहते हो कि मैं स्ट्रेचिंग दिखाऊं आप लोगों को, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, अगली वीडियो से स्ट्रेचिंग भी दिखाऊंगा। सो गाइस, पहली जो एक्सरसाइज लगाने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं एब्स के लिए। अब एब्स के लिए क्या एक्सरसाइज है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करनी है। ज़्यादा मैं एंगल बदल बदल के दिखा नहीं पाऊँगा, बट एक दो से तीन एक्सरसाइज तो आपको दिखाई दूंगा, जो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करूँगा। एक आध एब्स दिखा दूंगा, बाकी कार्डियो दिखा दूंगा थोड़ा बहुत। सो गाइस, पहली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें लेटना है और ऐसे 20 रैप्स लगाने हैं, और ऐसे के मैं चार 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 सेट करूँगा इसी एक्सरसाइज के। तो ये तो मैं पहले एब्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बाद में किसी और दिन किसी और वीडियो में बाकी एक्सरसाइजेस भी दिखा दूँगा। सो गाइस, डन विद एब्स वर्कआउट। एब्स वर्कआउट में मैंने 5 एक्सरसाइजेस लगाई, जिनमें से मैंने आपको एक दिखाई है। आगे चल चल के धीरे धीरे करके मैं आपको और एक्सरसाइज दिखाऊंगा और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इस पार्ट को, छत वाले को। अभी देख सकते हो पूरा पसीने में हो चुका हूँ मैं। अब इसके बाद मेरा बचा है फंक्शनल ट्रेनिंग कह सकते हो आप, या फिर कार्डियो सेशन कह सकते हो। कार्डियो सेशन मैं करूँगा अपना, वो मैं आपको उसकी भी दो एक्सरसाइज, एक या दो एक्सरसाइज दिखा दूँगा। मेरी कार्डियो सेशन की सबसे मेन एक्सरसाइज है स्किपिंग। स्किपिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने वाली एक्सरसाइज स्किपिंग, स्विमिंग से भी ज़्यादा बल्कि बर्न करती है स्किपिंग। अगर आप स्पीकिंग सॉरी अगर आप स्किपिंग कर लो एक घंटा करते क्या स्किपिंग कर लो, तो आप इतनी कैलोरीज बर्न कर, मतलब 700 कैलोरीज बर्न करती है एक घंटे की स्विमिंग, तो उससे ऊपर ही ऊपर कैलोरीज बर्न करेगी स्किपिंग। पर इतनी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें तो सिर्फ 1000 से 1200-1300 रुपये का डेफिशिट बनाना है। तो मेरा 500 तो सुबह वाली ट्रेनिंग में हो जाता होगा बड़े आराम से, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा कैलोरीज जाती हैं। तो आज वाली अभी वाले सेशन में मेरे 300-350 कैलोरीज जाती होंगी बड़े आराम से, तो 700-800 कैलोरीज तो मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा फूड में ऊपर नीचे कर लेता हूँ, फूड थोड़ा सा ज़्यादा खा लेता हूँ, तो वो 1000-1200 के आसपास ही मेरा डेफिशिट बना रहता है, जिससे कि मैं 7 दिनों में 7000 कैलोरीज का डेफिशिट करके अपना 1 किलो कम करता हूँ। तो ये है साइंस इस चीज़ की। सो गाइस, मैं स्किपिंग में कुछ ज़्यादा बढ़िया तो हूँ नहीं, बहुत टाइम बाद स्किपिंग कर रहा हूँ, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं स्किपिंग अच्छे से करूँ और आपको भी दिखा सकूँ। स्किपिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस के बाद अगर आपका पैर और आपके हाथों का माइंड कॉम्बिनेशन सब कुछ परफेक्ट बैठ गया, तो आप 100-200-250-300 स्किप्स भी एक साथ कर सकते हो। बट हाँ, आई विल ट्राई कि मैं 50 तो मिनिमम एक बार ही में करो। तो लेट्स स्टार्ट।
स्क्रिप्ट चालू। एक बार और दर्द कर गया तो ठीक है, मतलब आई एम नॉट दैट गुड इन स्किपिंग बट आई कैन डू स्किपिंग, तो इतना कर सकता हूँ मैं स्किपिंग। मेरे शू लेस खुल गए इसलिए थोड़ा सा और टकना चालू हो गया तो मैं रुक गया। तो ऐसे ही करके आप ट्राई करो 500 से 1000 तक जाओ, मतलब फर्स्ट डे में मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं रीच करूँगा 500-550 स्किप्स, उसके बाद 1000, फिर ऐसे से धीरे धीरे अपने गोल बढ़ाते जाएंगे। बट बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, ताकि इतना ही करो कि आपकी मसल रिपेयर हो जाए, रेस्ट मिल जाए बराबर, और सुबह उठ के आप फिर से वर्कआउट करने चले जाओ। सो गाइज एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, कार्डियो में मैंने 3 करी जो कि काफ़ी लंबी थी, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइजेस थी, और उनमें मेरी कुछ कैलोरीज बर्न हुई। यहाँ देख सकते हो 461 कैलोरीज तो ये दिखा रहा है, और भी बर्न हुई हुई काफ़ी ज़्यादा, और सुबह के मॉर्निंग सेशन में जो अलग कैलोरीज बर्न हुई वो तो अलग, तो अराउंड वही 700-800-900 कैलोरीज बन जाती है मेरी ले लुआ के, इसलिए मेरा वेट लॉस जल्दी होता है। बट हाँ, एक टाइम पे आके मुझे इनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे मेरा वेट तो जो मुझे चाहिए होगा वो हो जाएगा, बट ज़्यादा वेट गिराया तो मसल भी जाने लगेगी, और मसल मुझे होल्ड करके रखनी है क्योंकि मुझे मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो मसल मैं होल्ड करूँगा ज़्यादा वेट लूज ना करके। मैं अराउंड अभी 80 पे चल रहा हूँ, और मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 82 पे मैंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो मैंने 88-89 पे स्टार्ट किया था, पर जब अभी लॉकडाउन के बाद जब मेरी इंजरी होने के बाद मैं 82 पे था, 82 पे एक हफ्ते में मैं 80 पे आ गया हूँ, और मैं 75 तक जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली। पहले हफ्ते में वजन ज़्यादा ही गिरता है, आप सभी को पता होगा, तो मैं 75-73 मैक्सिमम उतना जाऊँगा, उससे नीचे नहीं जाऊँगा, ठीक है। और अपनी मसल ग्रो करने की कोशिश करूँगा, जितनी मसल मैं बढ़ा सकता हूँ, मस्कुलर बना सकता हूँ, अपने आप को मस्कुलर बनाऊँगा इन 3 महीनों में। आप भी मेरे साथ जुड़े रहो, इस सीरीज़ को देखते रहो, 3 महीनों तक वीडियोज़ आती रहेंगी आप लोगों को नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। और इसके बाद जाकर मैं नीचे नहाऊँगा धोऊँगा, उसके बाद मैं अपनी एग मील खाऊँगा नॉर्मल, वही 8 अंडे एग वाइट्स ओनली। और अभी मेरे ये दाने मेरे एग वाइट्स की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अंडे गर्म होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मैं इनमें दवाई ववाई लगा के देखता हूँ जो दानों के होते हैं, थोड़ी और ठंडी चीज़ें पेट में डाल के देखता हूँ, अगर उससे ठीक होता है तो ही मैं एग्स कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं एग्स बंद करके 50 ग्राम सोया और बढ़ा दूँगा, यानी कि दिन का टोटल 100 ग्राम सोया कर दूँगा, ताकि मेरे प्रोटीन इंटेक पूरा हो सके। तो लेट्स सी क्या करता हूँ अभी, बट अभी मैं से डॉक्टर को दिखाऊँगा जाके, ज़्यादा नहीं हुए हैं, थोड़े से 2-3 दाने हो गए, 4 दाने तो बड़ी बड़े ना, उससे पहले मैं दिखा लेता हूँ डॉक्टर को। सो गाइस होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।